सर लाहौर की सबसे बेस्ट मटन टिक्की देसी घी में और सबसे बेस्ट हलवा पहुंच गए। आप देख रहे हैं इस वक्त जो हकीम बैठे हुए हैं ना, ये नीम हकीम खतरा जान है, बस क्या आप उस इलाके में फिर जिस इलाके में नुकसान है। और ये लाहौर का बेस्ट थिएटर में था, सबसे पहले जो फिल्म हमारी लगी थी बोलने वाली। सर ये घर है गंगाराम साहब का। अच्छा, टिक्की बन रही है मटन की, दूर जहाँ यूज भी लेते हैं। अच्छा, कहीं से अंडरग्राउंड है वो जा रही है, देखा पर लक्ष्मी चौक है, इसमें है बट कढ़ाई, लक्ष्मी कढ़ाई बट कढ़ाई है ना। अब ये सारी बट कढ़ाई है, देखा बट कढ़ाई उधर भी बट कढ़ाई सारी बट कढ़ाई, सब असली बट कढ़ाई, नदीम बट वाला। हाँ जी, ये बात ये लक्ष्मी चौक है। ये असली है, ये नदीम भट्ट, ये असली है, ये लक्ष्मी चौक है सारा। ये देखें पहले, ये लक्ष्मी देवी के लिए मशहूर था। सर हमने ब्रिटिश करके अब हम हिंदू एरिया में जा रहे थे। अच्छा, ये अगेन हिंदुओं का सबसे अमीर तरीन एरिया था ये। अच्छा, ये देखें ग्रीन जिनमें वेस्ट कोट वगैरह पहनी हुई है, ये दादा साहब के जो है ना, ये ऑन ड्यूटी जो लोग होते हैं वो हैं वहाँ पर सारा है। अभी हम जाएंगे ना तो आप देखिएगा। बाकी स्वीट्स ही है, वो बट स्वीट्स है, वो बट स्वीट्स भी वहाँ पे साथ ही है, उनकी भी तो अब तो अलग काफ़ी ब्रांचेज हैं, लेकिन ये बट कढ़ाई जो है, ये बट स्वीट्स और बट कढ़ाई एक ही उनकी है, अलग अलग है। बट स्वीट वाले नमाशी के रिश्तेदार हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है नमाशी। अच्छा, ये आगे ना उन्होंने अपने प्लांट लगा रहे हैं जहाँ पे ये बिस्किट्स वगैरह। अच्छा, ये बिल्कुल, ये देखें ये आपके राइट। अच्छा, प्लांट है ये अंदर सारे, वो देखे ना वो सफाई लिखा सारा अंदर सामान तैयार हो। स्वीट्स का है, स्वीट्स आम पे रश, आम पे रश हो रही है, इतना शुरू हुए हैं ना इस जी। हलवा पूड़ी क्या जी, हलवा पूड़ी क्या? अच्छा अच्छा, हलवा पूड़ी का रश है। अच्छा, ये आपके लेफ्ट पे ना मुस्लिम हॉल आएगा जहाँ पे वापला वालों की मीटिंग होगी। ये वो ईरानी ये है ना, ये ईरान, ये ईरानी मोड़ के ले गया ना फूट गेट तो बाहर ही। ओके, जी बड़ा बड़ा बचपन और नई नई जवानी याद गुजरी थी।
सब बिंदु आते करते सर ऊपर लाहौर की सबसे पुरानी कबाबों की दुकान है गवर्नर हाउस के में थे ना जब सेलिब्रेट है इनके कबाब जाते हैं। अच्छा शादी सीधा आता था सीधा यही स्पीड रखनी बस अपनी एक ये तारण साहब का घर था इधर तुम तो घर तारण का। अच्छा इनके अभी दुकान भी जाते अभी भी जाते हैं तारण साहब के पास। हाँ जब तक आपको हर आज से दिन उधर प्रेसिडेंट जो है अच्छा अच्छा अभी भी 24 रुपए का कबाब ये भी मैंने सुना था इसका भी सुना था 24 रुपए का कबाब जानी होला 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 2400 का कबाब है ये भी सुना था सूफी बेकरी नहीं इतना ज्यादा महंगा क्यों है ये ये बहुत फेमस है टीका लस्सी वैसे तो पाबंदी है ना उस पर उनको जलाने पे पाबंदी है सिरी वो उस पर स्मेल होती है और उससे वो धुआं वगैरह उठता है ना। अच्छा ये शादी ऐसे लोग जो है ना दूसरी ब्रांचेज वगैरह फिर उस पर रोड वगैरह चलते वो इनकी दूसरी ब्रांच है। आदिल भाई सीधा जाना है सूफी मास्टर पेंट वगैरह हो गए सूफी वनस्पति वाले हो गए सूफी शॉप वाले हो गए कामे कॉलेज रहते हैं नहीं हम लोग तो उसकी खाते हैं वो गली वाला नहीं अंदर वो मदरसे के सामने वाला अंदर गली में जाके अनारकली जिधर मैं आपको कह रहा था कि इधर सीधा चलें वो
वो आप खाते हैं वो निहारी वाले के पास वाले? नहीं, निहारी वाले के साथ तो वो है ना इमामदीन। इमामदीन? इमामदीन नहीं, वारिस से आगे चले गए आप। रॉयल जो थे आपके नोबिलिटीज और रॉयल्स, ये उनके लिए एंट्रेंस थी। अच्छा अच्छा। उसको दिल्ली गेट भी इसलिए कहते हैं बिकॉज के इट्स फेस टू दिल्ली। दिल्ली से जो आते थे कारवान वगैरह, इसीलिए ओरिजिनली इट वॉज बिल्ड बाय अकबर, लेकिन ब्रिटिश टाइम में इसको पूरा तब्दील किया गया। क्योंकि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने यहाँ पे शहर को एक्सटैंड करने के लिए इस गेट्स की रेनोवेशन स्टार्ट की थी। तो ये इसको मज़ेदार चीज़ क्या बताऊँ आपको, इसमें आपको तीन स्टाइल मिलेंगे क्योंकि इसको तीनों दौर में यूज़ किया गया। अच्छा। आप ऊपर देखेंगे जो आर्च है इसका मुगल स्टाइल, आपके विंडोज़ हैं राइट साइड वाली जो ऊपर की तरफ है, ये विक्टोरियन है कोई टेक, और नीचे आपका जो है आपका सिक्स स्टाइल। ब्रिटिश लोअर पोर्शन सिक्स स्टाइल, दो पोर्शन सिक्स। अच्छा, सिक्स में आप अगर उनके गुरुद्वारे में जाएं तो आपको इस तरह का आपको सारा सीन नज़र आएगा। सो ये जितनी बेसिकली चीज़ें हैं इसका मकसद ही ये बनाया हुआ है। ये भी व्लॉगर्स हैं जी नहीं। सबील से देखें, हम लोग भी बहुत मुस्लिम्स की बहुत चैरिटी करते हैं। हर हर आप मुहर्रम देख लें, आप रमज़ान देख लें, हमारा चैरिटी बहुत ज़्यादा है हमारी। समझ लें कि जो मुस्लिम्स और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। आप कोई सूफी सेंट्स का आप वो देख लीजिए, मज़ारात देख लीजिए, ऑलवेज बिजी विद द फूड। ये यहाँ पर हमारा ये सबी का कॉन्सेप्ट है। पहले माशकी होते थे जिनको हम बोलते थे बेहिश्ती, जन्नत ही है, लोगों को पानी पिलाते थे, छिड़काव भी करते थे, बेहिश्ती का वर्ड यूज़ किया जाता था। अब वो वर्ड ख़त्म हो गया, अब टैप ने वो जगह ले ली। शाही इमाम बंद है जी, हम जाएंगे सर। नहीं अभी ये इधर से बंद है, इसके अंदर वहाँ बंद। अच्छा, ये लास्ट तो हमने बंद कर दिया, लास्ट टाइम इधर से नहीं घुसे थे, लेकिन इधर एंट्री बंद कर दी ना क्योंकि ये रिस्टोर हो गया है और हेरिटेज साइट है। आप पहले किसी ने वॉशरूम तो नहीं करना, नहीं नीट वॉशरूम सर, पहले फिर हम लोग वो घूमाए मंदिर घूमाए और बाद में फिर ये हम आम करते हैं। मैं अभी ये काफ़ी बिजी चल रहा है। हाँ जी, हम जाते हैं और आप ये रॉयल बाथ। अच्छा अच्छा, लाइक सुहाना जकूजी टर्किश। पानी भी नहीं है वहाँ पे, पानी भी नहीं है क्योंकि ये सर बन गया हेरिटेज। वैसे इनको पानी वगैरह जो है ना कुछ करना चाहिए। 2016 की कोशिश की थी थोड़ी सी सर, वो मेखल में लीकेज वगैरह अंदर है ना, वो मेंटेनेंस कहाँ करेंगे, कौन माश की दाल बार बार ला रहा है, कौन जोड़ेगा। यहाँ फॉर्म है प्लस्टर करने वाली, स्विमिंग पूल वाला प्लास्टर कर दिया। सर मैं जो भी लगता तो काम दे के जाना, कभी मशरूफ होंगे हो कभी बिजी होंगे। सर लुक एट द रेस्टोरेंट पिक्चर, खानदान पहलवानों का खानदान है। मैं जब इतना का था तब से आ रहा हूँ, जब लाइक दिस माशाल्लाह ये सीढ़ियाँ शाही किले की क्या होनी इनके सामने, बंदा उठा के ऊपर लेके जाता। और सर सर बड़े तभी सुनाओ सर, गाजी भाई हो जी। लेकिन देखिए अपने बड़ों की फिक्र को डिस्प्ले किया रहा जब था इन्होंने तो कई पहलवानों को टाया हुआ है, थोड़ा क्या कला बाजिया लगाइया।
हमारे लाहौर में ये जो कहते हैं जरा ऑटोमेटिक सारे फिलवान होते हैं। अच्छा अभी भी बॉक्सिंग फिलवान कम रह गया, कम रह गया। अब तो तबीब आ गया, लाइसेंस ले लिया, पढ़ गए, पहले ये नहीं था। क्योंकि ये जब जाते थे ना वहाँ पर बेसिकली मड प्लेस के अंदर, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी पठों को अगर कोई क्रैक प्रॉब्लम थी फिलवानों को जोड़ों में पता था, हाँ जी आज जोड़ इतना नहीं ले रहा उसको ले रहा मैंने आपको बताया ईंटों का, ब्रिक की लेयर्स का, और वो उसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो असल में आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपको ना थोड़ा बिजी बन रहा है, ये ईंटिंग ईंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन द वर्ल्ड। आदिल भाई पहले इसका बताएं, ये कुआं किसका था? हालांकि कुछ पुरानी इमारतों से क्रॉस करके आए हैं, ये पीछे आपको एक ऊंचा छज्जा नजर आ रहा होगा, वो बिल्डिंग जी इसका हवेली है, हवेली दीनानाथ, दीनानाथ की। यस, ही वाज अ दीवान, दीवान लाहौर के दीवान, आप कह सकते हो उस जमाने का फाइनेंस का सारा अमल दखल इनके पास, बेसिकली ही वाज अ पंडित फ्रॉम कश्मीर। तो ये रंजीत सिंह के दौर में आए, फिर गोरों ने भी इनकी सर्विसेज को बहुत इस्तेमाल किया, तो उन्होंने यहाँ पे फॉर द कॉमन पीपल और रिच पीपल एवरी वन, ये उनके लिए कुआं बनाया गया था पानी के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर प्लांट कुछ था नहीं, वेल्स कैन बी वर्क एज अ फिल्टर प्लांट, ये दरिया का पानी आप डायरेक्ट नहीं पी सकते, तो आपके नीचे बड़ी चैनल्स होती हैं, पत्थर रखे जाते हैं आपको फिल्टर करने के लिए, साफ पानी क्रॉस करने के लिए, उस वक्त तक कुआं बनाया गया और ये कम्यूनिटी बेसिस था, किसी एक मतलब ये इट्स ओपन फॉर एवरीवन, और ये काफ़ी एरिया तक ये कॉर्डन ऑफ है, पाकिस्तान बनने के बाद ऑक्यूपाइड रहे, वर्ल्ड बैंक वॉल सिटी वालों ने इसको बड़ा रिस्टोर किया, बड़े अच्छे तरीके से वेल रिस्टोर किया हुआ है प्रॉपर, ये शॉप्स भी अभी पीछे बनाई है सर हमने दोबारा, सही सही सही, ये पहले बहुत आगे थी, इनको बहुत पीछे करके पूरा डिसिप्लिन वैसे एक शॉप बनाई, ये सारा एरिया अभी रिसेंटली रिस्टोर हुआ है, इट वाज फंडेड बाय यूएस गवर्नमेंट, ये यूएस ने फंड किया है, इवन डैट के ये जो मस्जिद की वजीर खान मॉस्क है काफ़ वालों को करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली सर उनके पास बजटिंग फल बाकी मामले आपको पता ही है, तो बाहर के लोग अब इसको फंड करें, नॉर्वेजियन ने भी कुछ एरिया हमारे एरिए में फंड किया यहाँ पे, ये अब यूएस गवर्नमेंट है, आगा खान है सारा वो, ये मॉस्क बनी थी सर 1633 के अंदर, एंड इट टुक ओनली 7 ईयर्स टू कम्प्लीट, 7 सालों में ही बनी है, बादशाह मस्जिद 3 ईयर्स में, 7 साल, एंड द रीज़न वॉज बिहाइंड जो आपको दिखाता हूँ आपके अंदर, आज भी नीचे रश है, अच्छा लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं, उम्मीद नहीं थी लोग किला हो रही सुबह सुबह उठेंगे, किला हो रही है तो वही कह रहा ना, उनके तो 1 बजे सुबह हो गई, आप ही डाउट में थे शायद मैं उठा ना हूँ इसलिए कॉल कर रहे थे असल में मैं जब कॉल कर रहे थे ना आई वाज ड्राइविंग बाइक, अच्छा मैं बल्कि बड़ा पंक्चुएट हूँ, अच्छा हाँ नहीं आपकी सोच नहीं है, मैं सिर्फ अपनी शादी में लेट हुआ हूँ और वो भी अपने रिश्तेदारों की वजह से, नहीं तो मैं सर अगर टाइम होता ना किसी का 8 o'clock का तो 7:30 आई वाज नियर अबाउट। अच्छा जी, सीटिंग बड़ी अच्छी बना दी है इन्होंने सर, बिल्कुल ये भी इन्होंने रिसेंटली कौन सा है ये कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दिया ये वाला, अच्छा पहले ये था अब इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, पहले तो इधर वो कवाली वगैरह होती थी ना, कवाली होती थी, लेकिन अब देखे ना इन्होंने सर ये एक चीज़ का नुकसान ये किया कि ये इसका एम्बियंस खराब करेंगे, हाँ ये उससे वो नहीं मॉडर्नाइज हो रहा है, आप एक ट्रेडिशनल बैठक बना दें कहीं यहाँ बना दें साइड के ऊपर, लेकिन ये इट्स ये अच्छा नहीं लगा, बाकी ये अभी इन्होंने आप स्टार्ट किए, पहले ये वाला था किया। खैर सर हम मस्जिद को देखते हैं जी, मस्जिद शाहजहां के दौर में बनाई गई है,
शाहजहां द गाय हु इज बिल्ड ताजमहल आप पर्शियन लैंग्वेज देख सकते हैं राइट साइड पे पर्शियन है ये भी पर्शियन सारी लैंग्वेज है मिडल में जो है वो आपको अरेबिक मिल रहा है असल में इसको बनाने वाले थे वो शाहजहां ही लेकिन इसके ऊपर डिप्लॉय किए गए थे वो वज़ीर ख़ान जिनका असल नाम था हकीम अलीमुद्दीन अंसारी ही वॉज अ रॉयल फिजिशियन चन्योर से उनका ताल्लुक था लेकिन चूँकि उनको स्टेटस दे दिया गया रॉयल का तो रॉयल फिजिशियन डिक्लेयर कर दिया गया यहाँ पर आके तो फिर उनकी सरपरस्ती में उनकी ऑब्जर्वेशन में इस मॉस्क को बनाया गया आर्किटेक्ट्स बहुत दूर दराज से भी आए गए लाहौर के आर्किटेक्ट्स ने भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया हमारे लाहौर की अब जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं या हमारे जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं कपड़ों के वो तमाम तर जो उसकी जो आप कलर पैटर्न है या उसका डिज़ाइन है वो यहीं से अडॉप्ट किया गया और आप खाली देख लें आप फेमस ब्रांड देख लें इवन डैड के जो कलर हैं वो सब वहीं से सतरंगी में सतरंगी है सारा सतरंगी हम आजकल जो प्रिंटिंग करते हैं वो फोर कलर्स होती है चार सा के क्रॉसिंग करते हैं बट दे आर मोर देन सेवन कलर्स जो ये बेसिकली ये जो कंप्यूट है ना जो रेनबो है आप रेनबो से कलर्स को भी देखें आप तो वो सेवन से ऊपर क्रॉस कर रहा होता है लाइट ये सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ रखा गया है इस पूरी मस्जिद में कोई सर ऐसा काम नहीं है जितना हार्ड वर्क है ये मोज़ेक का है टाइल स्मॉल इनसाइड इसके फ्रेस्को है मतलब पेंट है और दैट्स रियली यूनिक आइए सर ये पुराना नहीं है ये जब यूएस की फंडिंग हुई है इस पूरे एरिए को तो उन्होंने फिर पहले यहाँ पर एक गार्डन था और ये सारा यूएस का है इट ऑल्सो फॉर द यूएस ये हिंदुओं के पुराने घर थे पाकिस्तान बनने के बाद डेफिनेटली मुसलमानों के पास ही आ गए तो फिर उसके बाद उन्होंने इसको रिस्टोर किया इट्स वेरी वेल रिस्टोर दिस एरिया सुरजन सिंह भी इधर है ना नहीं हम जाएंगे वहाँ पर वापसी पे वो पहला एरिया था जर्मन ने रिस्टोर किया 2012 में और इसको प्रमोट किया है 2020 लोगों को पता लगने लगता है आइए सर ये पत्थर जो आप देखेंगे सर ये रेड सैंडस्टोन और जयपुर कॉल इज द पिंक सिटी अनफॉर्चुनेटली किसी को नहीं है